प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में 700 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण कार्य इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। मराठा समुदाय को नौकरियों व शिक्षा में 10% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कृष्ण जिले के पमारू में जगन अन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत अक्टूबर दिसंबर 2023 की तिमाही के लिए 709 करोड़ रुपए वितरित किए, जिससे 9.4 लाख छात्रों को लाभ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में विफल रही। दिल्ली की एक अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मंगुटा श्रीनिवासुल्लु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। रक्षा मंत्रालय ने 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार सुबह बारिश हुई और राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां जज ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया।